प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाऊंगी बरसात अमावस की कथा और विधि। विधि, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को बरसात अमावस कहते हैं। बरसात अमावस को बड़ की पूजा करते हैं। पानी, मोली, रोली, चावल, गुड़, भीगा हुआ चना, फूल, सूत मिलाकर बड़ पर लपेटते हैं और फेरी देते हैं। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनते हैं और बरसात अमावस की कहानी सुनते हैं। भीगे हुए चनों में रुपए रखकर बायना निकालते हैं, फिर हाथ फेर कर सास के पैर छूकर बायना देते हैं। यदि किसी की बहन बेटी गांव में हो तो उसका भी बायना निकालने के लिए भेजना चाहिए। बरसात अमावस की कथा। भद्र देश में अश्वपति नामक राजा था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम एक ऐसा उपाय करो जिससे मेरी संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई, संतान तो तुम्हारे एक पुत्री लिखी है जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन आदि कराए। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। तो पंडितों ने उसकी जन्मपत्री देखकर कहा कि जिस दिन ये कन्या 12 वर्ष की होगी, उस दिन इसकी विधवा हो जाने का योग है। इसलिए इससे पार्वती जी और बरसात अमावस्या की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, उनकी वह बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। और सावित्री को पता था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की होगी, उस दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई, उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? यदि वे कहेंगे तो तुझे ले चलूंगा। वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहें तो मैं आज जंगल देखने चली जाऊं। वे बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहा करता था, उसने सत्यवान को डस लिया। सावित्री अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहां होकर जा रहे थे। सावित्री ने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। वे बोले कि आज बरसात अमावस है, जिसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वे खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहना, जो हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोला कि तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा कि मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं हैं, वे पुत्रवान हो जाएं। धर्मराज बोला कि सत्य वचन हो जाएगा। फिर वह बोली कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए। धर्मराज ने यह वर भी दे दिया। सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, अब और तुम्हें क्या चाहिए? सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्र हो जाएं। धर्मराज बोला, तथास्तु। वे सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली कि हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बरसात अमावस करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। सारे में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कहते सुनते जेठ की अमावस आएगी, तब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना, बायना निकालना। हे महाराज, जैसे बरसात अमावस ने सावित्री को सुहाग दिया,
उसी प्रकार सबको देना। जो भी इस कहानी को कहता या सुनता है उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। बरसायत अमावस को वट सावित्री व्रत और वर अमावस भी कहते हैं।